अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTML यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला वन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मोटोरोला वन को एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट जो है वो मिल चुका है। आज इसी स्टेबल अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि मोटोरोला वन को इस अपडेट के अंदर क्या चीज़ें मिली हैं और इसका वर्जन नंबर क्या है और क्या इसके चेंज लॉग है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस के नोटिफिकेशन बार पर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मोटोरोला वन के अंदर जो है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो मिल चुका है। ये ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो ग्लोबली रोल आउट कर दिया जाएगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल जो है ये अपडेट जो है ब्राज़ील में मिल रहा है। ब्राज़ील जो है ये इसका होम टाउन कहते हैं इसको, मोटोरोला को। जितने भी डिवाइसेज हैं जो फर्स्ट लॉन्च होती हैं वो सबसे पहले ब्राज़ील में लॉन्च होती हैं, उसके बाद जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लॉन्च होती है। तो आज मोटोरोला वन को भी एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो मिल चुका है। ये अपडेट भी फिलहाल ब्राज़ील में ही रोल आउट किया गया है, इसके बाद जो है बाकी कंट्रीज़ में रोल आउट कर दिया जाएगा ग्रेजुअली। तो इस अपडेट का जो इमेज है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता चलूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मोटोरोला वन को जो है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका जो वर्जन नंबर है वो QPK30.54-22। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वर्जन नंबर है जो आज मोटोरोला वन को मिला है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट ब्राज़ील के अंदर। तो ये इसका चेंज लॉग नीचे दिया गया है और ये पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर है। यहाँ पर जो है हम इसको रीड तो नहीं कर सकते, हम उसी वक्त इसको रीड कर सकते हैं जब तक ये इंडिया के अंदर रोल आउट किया जाएगा या फिर किसी और कंट्री के अंदर जहाँ पर ये इंग्लिश के अंदर ये वर्जन जो है वो रोल आउट किया जाएगा। तो हम तब तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये अपडेट जो है कब बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रोल आउट किया जाएगा। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मोटोरोला वन को जो है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो दे दिया गया है ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के अंदर जितने भी फ्रेंड्स हैं जहाँ पर ये अपडेट जो है मिल रहा है वो अपनी डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन में जाएं और सेटिंग में जाकर ये आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ पर इस डिवाइस का अपडेट चेक करें कि आप लोगों को ये अपडेट जो है वो मिला है या नहीं मिला है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये अपडेट मिला है या नहीं मिला। तो इसके बाद जो है वो आप ज़रूर बताइएगा कि कौन से फीचर जो हैं जो आप लोगों को सबसे अच्छे लगे हैं मोटरोला वन के अंदर जो एंड्रॉयड 10 के अंदर मिल रहे हैं। तो इसके अंदर जो मेन है फीचर जो वो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस चेंज लॉग के अंदर जो मेन चीज़ें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले जो है वो वाइट डार्क मोड होगा जो एंड्रॉयड 10 का जो है स्पेशल फीचर है। इसके बाद जो है एक स्मार्ट रिप्लाई का ऑप्शन है। इसके बाद जो है नेविगेशंस जो है वो जेस्चर्स उसके अंदर एडिशन कर दिया गया है, जिसके अंदर जो है विदाउट एनी बटन जो नीचे शो होते हैं वो उसके बगैर जो है वो जैसे नेविगेशन ऐड कर दी गई है होम के लिए, बैक के लिए और रिसेंट ऐप्स के लिए। तो इसके बाद जो है कुछ जीपीएस के अंदर भी इसको कंट्रोल दे दिया गया है। काफ़ी सारा इसमें कंट्रोल दिया गया है यूज़र के लिए कि जिस टाइम चाहिए जिस ऐप को चाहिए वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे इसको इनेबल कर सकते हैं और जब चाहे इसको टाइम लिमिट के अंदर इसको रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं एंड्रॉयड क्यू के अंदर यानी एंड्रॉयड 10 के अंदर। तो ये सारे फीचर जो हैं एंड्रॉयड 10 के अंदर दे दिए गए हैं मोटोरोला वन को। मोटोरोला जो है काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर जो है अपना एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो रोल आउट कर चुका है, जिसके अंदर मोटोरोला वन पावर है, मोटोरोला वन विजन है, मोटोरोला वन एक्शन है और मोटो G7 प्ले है। ये डिवाइसेस हैं जिनको जो है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल डेट जो है वो मिल चुका हुआ है। और आज जो है मोटोरोला वन को भी फाइनली फाइनली काफ़ी लेट मिला है लेकिन मिल चुका है इस वक्त जो है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट जो है, और ये ब्राज़ील के अंदर दिया गया है। बैचेस के अंदर ये अपडेट मिल रहा है, कुछ फ्रेंड्स को पहले मिल जाएगा और कुछ को बाद में। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तमाम यूज़र्स जिनके पास एंड्रॉयड
9 पाई का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है मोटरोला वन के अंदर, तो उनको सबको जो है एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबिलिटी अपडेट दे दिया जाएगा और ग्रेजुअली ये अपडेट दिया जाएगा। कुछ यूज़र जो हैं इसको पहले गेन कर लेंगे, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको भी ये बहुत जल्द जो है मिल जाएगा, ख़ास तौर पर अदर कंट्री जहाँ ये मोटरोला जो है अपनी डिवाइस जो है वो लॉन्च करता रहता है, तो वहाँ सबको ये अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था कि आज एंड्रॉयड 10 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट जो है वो दे दिया गया है मोटरोला वन को, इससे पहले मोटरोला वन पावर को ये अपडेट जो है वो मिल चुका है, तो इसी अपडेट की लाइन के अंदर जो है इसको मोटरोला वन को भी ऐड कर दिया गया है एंड्रॉयड 10 की दौड़ में, तो काफ़ी खुशी की खबर है। जल्दी से एंड्रॉयड 10 को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने मोटरोला वन के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जाते जाते वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस का नोटिफिकेशन बार पर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। Yeah.